सभी को नमस्ते। मैं स्वंश द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। आज मैं पुनः आई हूँ और आज मैं पुनः अपने इतिहास कैचअप कोर्स को कंप्लीट करूँगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं क्लास एट यानी सेवन की, क्लास एट के बच्चे जो अभी सेवन की कैचअप कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका इतिहास पढ़ा रही हूँ। तो इसी क्रम में मैंने आपको अभी मैं पढ़ा रही हूँ मध्यकाल का इतिहास। ऐसे क्लास सेवन में आपको मूलतः मध्यकाल कंसर्निंग आपको पढ़ना है, जब तक कि ना मुगल्स और अंग्रेज का इमर्जेंस, बस यही तक पढ़ना है ना। तो अभी इसमें और मैंने देखा है, अभी आप लोगों को मुझे चार चैप्टर और पढ़ाने हैं। तो उस क्रम में मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ मध्यकाल के इतिहास में। उस दिन मैंने बताया था मध्यकाल में सल्तनतकालीन शासकों की उपलब्धियाँ, उसी क्रम को आज मैं पुनः कंटिन्यू करती हूँ और सल्तनतकालीन शासन के प्रशासन के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सल्तनतकालीन शासन की शुरुआत हमारे भारत में हो गई थी 1198 के बाद से ही, और इसकी नींव पड़ी थी 1300 ईस्वी में। और इसमें मुख्यतः पांच राजवंशों का उदय हुआ था, उनके नाम भी मैंने आपको लिखवाए हैं, जैसे गुलाम वंश के बाद आपका आ गया खिलजी वंश, उसके बाद आपका आ गया सैयद वंश, उसके बाद तुंगलक वंश, और सबसे आखिर में आया है आपका लोदी वंश। यानी पांच डायनेस्टीज में जो मुख्यतः भारत पर सल्तनतकालीन शासन के अंतर्गत शासन किए, ये कौन थे? तो ये मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, उन्होंने भारत पे शासन किया। और इस क्रम में मैंने बताया कि ये अरब तुर्क थे, और ये जब भारत में आए थे तो भारत में एक नया धर्म, नई सभ्यता को लाए थे, और अपने साथ इन्होंने भारत में कुछ नई पद्धतियों को भी अपनाया, और हमारे भारत में इन्होंने 300 साल तक शासन किया। यहाँ तक तो बात क्लियर थी। अब मैं इनके प्रशासन की बात को यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इन्होंने इतने बड़े भारत पर 300 साल आके शासन किया कैसे। तो शासन करने के लिए सबसे पहली चीज होती है प्रशासन। कहीं का भी प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त होगा, उसके काम करने वाले लोग नियम कानून से काम करेंगे, सभी लोग इकाई बनाकर, यूनिट बनाकर एक एक काम की देखभाल करेंगे, तो कोई भी काम अच्छे से होगा। यही काम इन्होंने किया था। इन्होंने प्रशासन को अपना बहुत स्ट्रांग रखा था, और स्ट्रांग रखने के क्रम में इन्होंने अपने प्रशासन की जो व्यवस्था की थी, तो इनका जो सल्तनतकालीन प्रशासन है, आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने बुलेट्स बना के आपको दिए हैं, पॉइंट आउट किया है कि इनका प्रशासन दो तरह से चलता था। एक चलता था केंद्रीय प्रशासन और दूसरा चलता था प्रांतीय प्रशासन। जैसे अभी के समय में हमारे यहाँ अभी भी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है, ये उस जमाने में भी उन्होंने इसकी नींव रखी हुई थी। केंद्र की सरकार पूरे देश को देखती है, राज्य की सरकार केंद्र सरकार के नीचे के अपने राज्य के सारे काम को देखती है। तो इसी क्रम में इन्होंने जो सरकारें बनाई थी, इनका जो प्रशासन काम करता था दो स्तर पे करता था, केंद्रीय प्रशासन और राज्य की प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का हेड होता था कौन? तो केंद्रीय प्रशासन का हेड होता था सुल्तान, जो सीनियर होता था, जो सबसे बड़ा होता था, जो बादशाह होता था। तो यहाँ पे मैंने बताया है प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन और यहाँ प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का जो मुख्य होता था वो सुल्तान होता था, और वो मंत्रिपरिषद और पूरे सदस्यों के साथ काम करता था। इनके अंतर्गत उन्होंने मुख्यतः कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं, कुछ विभागों की स्थापना की थी, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले वजीर। वजीर कौन था? तो वजीर उस काल में प्रधानमंत्री का पोस्ट होता था, वो सुल्तान के साथ सभी विषयों की राय मशवरा करता था, और सुल्तान जो नियम कानून से समय को पास करता था, काम को बताता था, वजीर उसको क्रियान्वित करने में लग जाता था। वजीर के नीचे आता था अरीज मुमालिक यानी सैन्य विभाग, उसके बाद आता था दीवानी खास, जो सारे प्रकार, यहाँ जैसे दीवाने खास, खासी है तो यहाँ मुख्य न्यायालय संबंधी जो भी सुल्तान को बात व्यवहार किया जाता था, न्याय व्यवस्था के बारे में बताया जाता था, इसी के द्वारा ये काम किया जाता था। दीवानी रिसालत, विदेशी वार्ता होती थी। सर्द सुदूर, धर्म विभाग का काम होता था। काजी उल कजा, न्याय विभाग का काम होता था, देख लीजिए उनके विभाग। दीवानी विजारत, महालेखाकार। दीवाने इंसा या पत्राचार का विभाग होता था। वरीद मुमालिक,
गुप्तचर विभाग। उस जमाने में भी राजा लोग सुल्तान लोग अपने अंदर गुप्तचर रखते थे, जो गुप्तचर जाकर राजा को गुप्त सूचना प्रदान करते थे कि कहां किस प्रकार की स्थिति है, कहां कौन दुश्मन है, कहां पर काम अच्छे से चल रहा है, कहां पर काम नहीं हो रहा है। यानी उस जमाने में भी राजा अपने अंडर में इंटेलिजेंस यानी कि गुप्तचरों की अपॉइंटमेंट करके रखते थे। आज भी हम खुफिया तंत्र को अपने यहाँ गुप्तचर विभाग को हम रखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, वरीद मुमालिक ये गुप्तचर विभाग हुआ। उसके बाद राजस्व कर व्यवस्था, उसमें कर व्यवस्था भी टाइप्स में थी। कर व्यवस्था में क्या होता था, बहुत तरह की कर व्यवस्था थी। मुसलमानों के लिए अलग कर व्यवस्था होती थी, हिंदुओं के लिए अलग कर व्यवस्था होती थी, अमीरों के लिए अलग होती थी। मुसलमान अमीर के लिए अलग कर व्यवस्था थी, मुसलमान हिंदू अमीरों के लिए अलग कर व्यवस्था थी। और हमारे साथ उस समय एक और कर लिया जाता था जिसको हम कहते हैं जजिया कर। जजिया कर होता था गैर मुसलमान यानी हिंदुओं से लिया जाता था, और इसमें क्या होता था, धार्मिक कर होता था। यानी हम किसी भी अपने पूजा पाठ स्थल में जाते थे या वहाँ पूजा पाठ करने की परमिशन लेते थे तो उससे पहले हमें ये टैक्स वहाँ पर दिया जाता था। ये वहाँ पर राजस्व विभाग के लोग वहाँ पर जजिया कर के नाम से ये टैक्स हमसे लेते थे। तो ये आप समझ गए, ये इनका प्रशासन था। और इसके बाद ये एक प्रशासन सैन्य संगठन इनका पूरी तरह से अलग था। सैन्य संगठन में इनके सैन्य संगठन को इन्होंने तीन भाग में बांट रखा था। आप देखिएगा मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है सैन्य संगठन। तो संतुलनकालीन सैन्य संगठन में वो सैन्य संगठन को ज्यादा प्रोत्साहन देते थे क्योंकि अपनी सेना के ही बल पे उन्होंने भारत पे शासन किया था। तो सैन्य संगठन को वो बहुत ज्यादा ही अपने साथ स्पेशल पक्ष के साथ रखते थे। तो जैसे है सैन्य संगठन के अंतर्गत आता था केंद्रीय सेना और प्रांतीय सेना। केंद्र की सेना को कहा जाता था हस्मेबल और प्रांतीय सेना को कहा जाता था हस्मे अतरफ। ये नाम थे हस्मेबल केंद्र का और हस्मे अतरफ था प्रांतीय। उसके बाद है खास खेल। इसमें किस प्रकार की सेना होती थी, जो स्थायी सेना होती थी उनको खास खेल की पदवी दी जाती थी। नेक्स्ट था दशमलव प्रणाली। उस जमाने में दशमलव प्रणाली नाम की भी सेना हुआ करती थी जिसमें राजा अपने अनगिनत सैनिक रथ सेना, बल सेना, हाथी सेना, घुड़ सेना, पैदल सेना, स्थाई सेना, अस्थाई सेना यानी बारूद सेना, यानी अपना बारूद का तो कंसेप्शन मुगल्स के समय आया था, ये अपने साथ सारी सेनाओं का एक लड़ाई सेना। तो ये इस प्रकार से चढ़ाई सेना इनका सेना का ग्रुपिंग किया हुआ था। ये इस तरह से अपने प्रशासन को पूरे भारत में क्रियान्वित किए हुए थे जिसके कारण इन्होंने 300 साल तक हमारे ऊपर शासन किया। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको मैं मानचित्रों के द्वारा आपको बता रही हूँ, और भी कुछ बातें हैं जो मैं इसके अगले वीडियो में आपको दे रही हूँ। ध्यान से इसको नोट कर लिया जाए।